नमस्कार, मैं हूं एम्बुरी गोस्वामी, आपके साथ लोकहित की आवाज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। इससे पहले यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को टच करना ना भूलें। शिवपुरी कोलारस के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 27 के ग्राम एडवारा में भाजपा कार्यकर्ता के साथ मारपीट। मौके पर पहुंची पुलिस। भाजपा प्रत्याशी ने कांग्रेस प्रत्याशी पर लगाया रुपए दारू बांटने के आरोप। शिवपुरी से जितेंद्र गोस्वामी की रिपोर्ट। मारपीट कर दी अभी मेरे निकलने के बाद, और ये ज्यादा पोलिंग पे जरा दादागिरी ज्यादा हो रही है। थोड़ा सा आपको दो सफाई फोर्स के भिजवा दो एडवारा। एडवारा पचावली के आगे, पोलिंग नंबर तो याद नहीं आ रहा मुझे, पचावली से 4 किलोमीटर आगे है, 3 ये अशोकनगर रोड पे है, पचावली से आगे कार्यकर्ता। हमारे हाथ से वोट डालेंगे हम पंजाब में। ये किसने कहा आपसे? जी सुरेंद्र लोधी ने, राजा भैया ने, सुरेंद्र यादव और राजा भैया यादव, लखन यादव, वीरेंद्र यादव, लोकपाल यादव। तो आपके साथ मारपीट कहाँ पर हुई? मारपीट यहीं से हुई, अंदर हुई? नहीं, अंदर जी अंदर से आए थे, पकड़ के बीच में जाके भगे। ब्लेड कैसे निकल रहा है? ब्लेड आपको पता नहीं है? उन्होंने कोई धार वगैरह काट देंगे आपके लिए। आपने वोट डाला कि नहीं? अभी वोट डाल के, वोट डालने के बाद हुई ये घटना? बोले आप क्यों आते हैं यहाँ पे? आप नहीं रोकेंगे बीजेपी वाले यहाँ? हमारे हाथ से हम पंजाब में वोट डाले। आप एजेंट हो भाजपा के? भाजपा के एजेंट है, कार्यकर्ता है हम। कार्यकर्ता से जी घटना हुई है, क्या घटना हुई है और क्या समस्या आई है ऐसी घटना को नो बताई? मैं बड़े दुखद मन से ये कहना चाहता हूँ, पिछले 3 दिन से कमल सिंह लोधी जो मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वो मुझे लगातार फोन कर रहे थे। फोन में मेरी रिकॉर्डिंग है उनकी। वो लगातार कह रहे थे कि जिन लोगों के इनने नाम लिए, ये प्रदीप यादव और ये सारे कार्यकर्ता मुझे धमका रहे हैं। मैंने इनको हिम्मत जुटाई और उसी हिम्मत के तहत मैं सबसे पहले सुबह, अभी 1.5 घंटे पहले अडवारा पोलिंग पर आया। उस वक्त यहाँ शांति थी। मेरे निकलने के बाद लगातार इसके साथ मारपीट हुई, धमकाया जा रहा है दमंगता के साथ। और मैं आरोप प्रशासन पर और पुलिस पर लगाना चाहता हूँ कि एसपी साहब से मैं 3 दिन से कह रहा हूँ कि जो एसओ मिस्टर गोयल इनार में है, पूरी तरह से बिक चुके हैं कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में। और उन्होंने रात को मेरे लोगों के द्वारा मेटाडोर आंखों से उतरते हुए देखा। विधायक प्रतिनिधि दुर्जन सिंह यादव के फार्म पर भादरा में दारू की एक मेटाडोर उतरी। एसपी साहब को मैंने फोन किया, एसपी साहब के बाद मैंने गोयल जी को फोन किया। 1 घंटे बाद ये वहां पहुंचे और केवल 1 पेटी जब्त करके ये वापस आ गए। अमित यादव, दुर्जन सिंह यादव थाने तक आए, इन्होंने उनको छोड़ दिया और किसी नौकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात इन्होंने मुझसे फोन पर की। मैं कहना चाहता हूं ऐसे अधिकारियों को निर्वाचन में तत्काल बर्खास्त करें, नहीं शाम तक मेरा निर्वाचन प्रभावित होगा। मैं भारत निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश से ये मांग करता हूं, ऐसे अधिकारियों को नौकरी में रहने का अधिकार नहीं जो भाजपा प्रत्याशी की गुहार पर न्याय करने की बजाय उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। सुबह इन्होंने एक घटना और कारित कराई, इनार थाने के ठीक सामने 50 मीटर पर महेंद्र यादव प्रत्याशी स्वयं इनकी आंखों के सामने जाटव समाज में रुपए बांटते रहे। मेरे फोन करने के बाद भी ये नहीं पहुंचे। मेरे समाज के लोगों ने जाकर के उनको समझाया, जब वो वहां से छोड़कर गए, अति कर दिए इस आदमी ने, पूरा मेरा चुनाव प्रभावित कर दिया, इनकी सेवाएं समाप्त करने की मैं मांग करता हूं। और यादव समाज के लोगों से आग्रह करता हूं कि इस मुद्दे को जातिवाद पर न बनाए। अगर किसी यादव समाज के कार्यकर्ता ने मेरे कार्यकर्ता के साथ जाति की है तो सिर्फ वो दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, तत्काल FIR होकर मेडिकल हो। और मैं निवेदन करता हूं निर्वाचन से तत्काल जितनी भी इनके ये इस तरह के दमंग लोगों के खिलाफ जो पोलिंग है उन पर पुलिस फोर्स तैनात करें। अभी चुनाव का 25% चरण निकला है, 75% चरण बाकी है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं निर्वाचन से कि रात को मैं लिखा पढ़ी 12 बजे से कर रहा हूं मेल पर ही मेल पर, लेकिन माननीय गोयल साहब पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। सूचना मिलते ही हमारी सेक्टर मोबाइल पार्टी आ गई, सेक्टर मजिस्ट्रेट आ गए, मैं भी आ गया यहाँ पे, जो कि मैं इंदौर में था, इंदौर से सीधा यहाँ आ गया। यहाँ इनके चोट लगी हुई है सिर में, ये बता रहे हैं कि इनको यादवों ने मारा है, तो इनको तत्काल इनके लिए FIR करके इनको उपचार के लिए भेजा जाएगा। ये आज की घटना है। जो विधायक साहब आरोप लगा रहे हैं, प्रत्याशी हैं, कि ये ऐसी ऐसी घटना हुई है, रात में भी दारू बांटने को पैसे, और सूचना मिली थी
टूरिज्म के फार्म हाउस पे अवैध शराब रखी हुई है, जो कि सेक्टर पुलिस पार्टी द्वारा और मेरे द्वारा स्वयं पहुंच के तस्दीक की गई। यहां पर 55 पाव देसी प्लेन के मिले। दुर्जन सिंह का लड़का उसके विरुद्ध वहां मिला, उसके विरुद्ध मामला बना के बना दिया गया है। अमित यादव दुर्जन सिंह के खिलाफ बनना चाहिए था, क्योंकि एक्स एमएलए साहब जो आरोप लगा रहे हैं सकते हैं बिल्कुल, तो ना तो अमित और दुर्जन वहां कोई नहीं थे, उनका लड़का था, लड़के के विरुद्ध मामला बना